हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईट विद खुशबू। सो आज हम बनाने वाले हैं वाइट चीज़ पास्ता। सो हमें लगेंगे 2.5 कप दूध, एक छोटा सा कांदा, 3 से 4 लौंग के पीसेस, एक तेज़पत्ता, 1/2 कप ब्रोकली, 1/2 कप स्वीट कॉर्न कच्चे, थोड़ा सा बटर, चिली फ्लेक्स, पास्ता आप कोई भी ले सकते हैं, थोड़ा सा नमक, चीज़ मैं 3 क्यूब लेने वाली हूँ, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्ची, 1/2 कप फाइनली चॉप्ड गाजर और थोड़ा सा मैदा। अब हम स्वीट कॉर्न पास्ता और दूध को उबालने के लिए 3 पतीले लेंगे और हमारे गैस को चालू कर देंगे। हम दूध में हमारा तेज़पत्ता, एक छोटा सा कांदा और 3 से 4 लौंग के पीसेस डाल देंगे और उसे उबलने देंगे और हम स्वीट कॉर्न को भी उबालने रख देंगे। हम पास्ता को अच्छी तरह से रनिंग वाटर से धो लेंगे और फिर इसे पीने के पानी में उबालेंगे। हम देख सकते हैं स्वीट कॉर्न में उबाल आ रहा है, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हम देख सकते हैं हमारा दूध किस तरह से उबल रहा है, इसे लो फ्लेम पे उबालें। अभी हमारे कॉर्न को हमने निकाल लिया है उबले हुए, अब उसमें हम वही पानी में ब्रोकली डाल देंगे। हम पास्ता में नमक डालना भूल गए थे तो अब हम पास्ता में नमक डालेंगे और हमारे ब्रोकली को भी उबालते टाइम नमक डाल देंगे। अब हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उसमें जितना मैदा लिया है उतना ही बटर लेंगे और हमारे स्टफ़ को ऑन कर देंगे। उसमें जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है उसी समय हम उसमें हमारा मैदा डाल देंगे और फिर मैदे को बटर के साथ अच्छे से मिक्स करके उसे कुछ देर तक सॉटे करना है जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन काइंड ऑफ नहीं हो जाता और मैदा अच्छी तरह से पक नहीं जाता। हमें इस तरह सॉटे करके इसे 1/2 मिनट तक पकने रखना है। तब तक हम दूध को छान लेंगे और फिर हमारा गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और फिर ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, हमें दूध एकदम धीरे धीरे डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है ताकि लम्प्स ना हो। ये स्टेप पास्ता का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो गैस स्विच ऑफ करना बिल्कुल भी मत भूलना, नहीं तो बहुत लम्प्स हो जाते हैं। और दूध को गरम गरम ना डालना, दूध उबलने के बाद उसे ठंडा होने देना। और तब तक हमारा पास्ता अभी भी उबल रहा है और वापस से कह रही हूँ गैस को स्विच ऑफ करके ही थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना, नहीं तो बहुत लम्प्स हो जाते हैं और फिर उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से क्रीमी मिक्सचर हमें तैयार करना है और लम्प्स बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होने देने हैं। ऐसे हम देख सकते हैं बहुत थोड़ा थोड़ा, आप चाहें तो 2-2 चम्मच करके दूध डालें अगर आपको पतीले से डालने और मिक्स करना साथ में नहीं जम रहा है। हम देख सकते हैं कैसे हमारा क्रीमी मिक्सचर तैयार हो चुका है और इसका कंसिस्टेंसी भी बहुत, मतलब फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है। इस तरह से हमारा बाकी का दूध हम इसमें डाल देंगे और अब हमारा मिक्सचर तैयार है, हम इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमने उबाले हुए पास्ता को निकाल लिया है और इसे ठंडे पानी से धो लिया है। याद से इसे ठंडे पानी से निकाल लेना, नहीं तो पास्ता अंदर ही स्टीम से कुक होता रहेगा। अब हम हमारे चॉप्ड वेजिटेबल्स को, ये सब कच्चे वेजिटेबल्स हैं, आप चाहें तो गाजर को थोड़ा उबाल सकते हैं। गाजर और शिमला मिर्ची कच्चा डालें तो बेटर है क्योंकि वो पक जाता है। हम हमारी बॉइल्ड ब्रोकली, बॉइल्ड स्वीट कॉर्न इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम देख सकते हैं हमारा सॉस कैसे मस्त बॉईल हो रहा है, एकदम कलरफुल सॉस दिखता है। हम इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो चुका है सॉस। अब हम इसमें हमारे बॉइल्ड पास्ता को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो सॉस को फिर से चख के देख सकते हैं और नमक कम लगे तो इसमें और डाल सकते हैं। हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाने रखेंगे और फिर 3 से 4 मिनट बाद हम इसमें चीज़ घिसकर डाल देंगे। जैसे कि मैंने बताया था इसमें 3 क्यूब चीज़ डाल सकते हैं, आप चाहें तो और चीज़ भी डाल सकते हैं। अभी मैंने चीज़ इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं थोड़ा सा ओरिगैनो डाल रही हूँ
और थोड़ा सा सिजलिंग के लिए रख रही हूँ और चिली फ्लेक्स को भी डाल रही हूँ। आप जितना तीखा बनाना चाहें उस हिसाब से चिली फ्लेक्स को डाल सकते हैं। अगर आप सॉस को स्वीटन करना चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा वाइट चीज़ पास्ता बहुत यमी तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में निकाल के इस पे ओरिगानो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अगर आप इसे गरम गरम खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसे कुछ घंटों बाद खाना चाहें तो इसे गरम करके इसमें और थोड़ा सा दूध ऐड करके भी आप खा सकते हैं, और उस हिसाब से आप इसमें और नमक भी ऐड करें। तो आइए हम इसे खाकर देखें। वाओ, बहुत यमी है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को रिवाइंड करें और वाइट चीज़ पास्ता हमारे साथ बनाएं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।